गाइस कैसे आप लोग। उम्मीद करते कि आप लोग अच्छे होंगे। तो गाइस अभी शाम का मौसम हो चुका है और यहाँ पे हम लोग अपना सारे सामान लेके आ चुके हैं छत पे पूजा करने के लिए। देख सकते हैं यहाँ पे शंख, ये सब फल फूल सब रखे हुए हैं। तो गाइस अभी शाम का मौसम है और बहुत जोर से बारिश आ रही है और पूजा करने में भी नहीं बनेगी। मैं आप लोग को दिखाती हूँ, मेरे साथ एक ऐसा चीज़ हो गया, मैं आपको बताती हूँ। देख देख, जैसे कि मैंने यहाँ पे मूर्ति रखी, वहाँ पे दूध रखा इस लोटे में यहाँ पे, और पूरा दूध गिर गया। तो थोड़ा सा दूध बच रहा है, उतना में हम लोग पूजा कर लेंगे। बाकी सब यहाँ पे जो रखा रहता है वो सब रखा हुआ है, देख सकते हैं आप लोग। अभी बहुत ज़्यादा अंधेरा हो चुका है, देख सकते हो उधर से बहुत ज़ोर से बारिश आ रही है और इधर का मौसम साफ है। और इधर आप लोग देखिए मौसम चेंज और बारिश से यहाँ तक हल्का हल्का बारिश भी हो रहा है। गाइस देख सकते हैं आप लोग, सुबह से बारिश ही हो रही है, बस बारिश हो रही है। और यहाँ पे हम लोग का सारा सामान रखा हुआ है और यहाँ पे ये पूरा गिर गया। और यहाँ पे बहुत लंबा वाला झाड़ देख सकते हैं कितना बड़ा है। ये बाल्टी में रखा हुआ है और ये पूरा दूर से सीन आप लोग देख सकते हैं। तो मिलते हैं गाइस पूजा करते हुए, तब तक के लिए वेट कीजिए, बाय बाय। तो गाइस पहले यहाँ पे मम्मी पूजा कर रही है, जो टीका कर रही है अभी बाल्टी में कर रही है, फिर झाड़ में की, फिर बाल्टी में सिंदूर का टीका की, फिर उसमें भी, फिर यहाँ पे मूर्ति को नहला रही है, वहाँ पे नहलाने वाला है और फिर मैं नहला रही हूँ। देख सकते आप लोग, पहले दूध से, दूध बचा हुआ था जो गिर गया था तब पर थोड़ा सा बच गया था, और फिर पानी से फिर नहला कर वहाँ पे रखा जाता है। तो फिर मैं नहला कर वहाँ पे रख दी। और एक और ये गणेश जी हैं, इन्हें भी मैं नहला दी, नहला कर फिर पानी से नहला के फिर से मैं वहाँ पे रख दी। रख के फिर मैं वहाँ पे ये, इसमें सिंदूर डाला जाता है इसे, इस और ये कपड़ा है जो ढाया जाता है ग्रीन कलर का। पहले मूर्ति को मैंने और सटाया, फिर कपड़े को ढाया, तीनों को साथ में ही ओढ़ा करके फिर मैं अच्छे से ओढ़ाई, क्योंकि गिर रहा था बार बार, हवा चल रहा था। तो फिर मैं टीका की, पहले घी का टीका क्रीम मैं बाल्टी में, पहले पांच टीका बाल्टी में, फिर एक टीका झार में, और फिर थोड़ा सा सिंदूर लेके उसकी ढक्कन में, फिर मैं वहाँ पे टीका की, देख सकते आप लोग वहाँ पे मैं पांच टीका कर रही हूँ, क्योंकि पांच टीका ही किया जाता है। झार में टीका कर रही हूँ मैं पांच, और फिर यहाँ पे कपड़ा बांधा जाता है झार में, वही हुआ। फिर मम्मी कपड़ा उड़ाई, और मम्मी अच्छे से कपड़े को बांधी, क्योंकि मैं अच्छे से नहीं बांधी थी। फिर मम्मी सारी मूर्तियों को टीका की। तो गाइस यहाँ पे पहले रोड़ी का टीका होता है गणेश और शंकर जी का, फिर सिंदूर का पार्वती जी का टीका होता है, फिर उसमें जो सिंदूर वाला था उसमें सिंदूर डलाया, और यहाँ पे झाड़ है रखा हुआ इतना लंबा सा। फिर मैं घी का टीका की, पहले गणेश जी को, फिर पार्वती जी को, और लास्ट में शंकर जी को। और फिर मैं पहले गणेश जी को टीका की रोरी का, या फिर शंकर जी का की साथ में, फिर मैंने बंद किया और फिर मैंने पार्वती जी को किया, फिर मैं टीका की पार्वती जी को,
फिर मैं फूल चढ़ाए पहले गणेश जी, ये पीला वाला फूल चढ़ाए और ये सारे फूल मेरे छत पे उगे थे गाइस। फिर सारे फूल चढ़ा रही हूँ मैं अच्छे से सजा करके, देख सकते हैं आप लोग। फिर यहाँ पे मैं सारे फूल चढ़ा कर एक मकई चढ़ा दी, फिर मम्मी आई और दिया बारी, फिर थोड़ी सी आरती दिखाए, फिर रख दी चावल लेकर के, फिर वहाँ पे इसे क्या बोलते मुझे नहीं मालूम, फिर ये चढ़ाई, फिर इसमें भी चढ़ाई और ये फूल जैसा ये यही करमी है शायद से गाइस, यही है हाँ, फिर से चढ़ाई और फिर चना चढ़ाकर, चना और चावल चढ़ाकर, फिर चावल चढ़ाए, चना चढ़ाकर चावल चढ़ाए और यहाँ पे मकई मम्मी चढ़ा दी उसमें, उसमें चढ़ाए और फिर से ये क्या संतरा बड़ा वाला इससे चढ़ाए, फिर इसमें टीका की, पांच टीका होता है इसमें, पांच टीका की और नारियल में फिर टीका की, नारियल को भी चढ़ा दी टीका करके, देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे फिर संतरा अच्छे से चढ़ा दी। फिर यहाँ पे सेब चढ़ाए, फिर केला एक बाल्टी होते हैं ना उसमें, और सेब है उसी में, और दो केला यहाँ पे अच्छे से चढ़ाकर सजाकर, फिर ये पैरा क्या चढ़ाए, ये फिर ये खीरा चढ़ाए, फिर अच्छे से पैसा चढ़ा करके, फिर चावल उस प्लेट में रखी, फिर मैं पूजा कर रही हूँ जो जैसे जैसे मम्मी की वैसे वैसे मैं कर रही हूँ, जो जो मम्मी चढ़ाए थे वैसे वैसे मैं पूजा कर रही थी। और देख सकते आप लोग यहाँ पे, फिर मैं केला चढ़ाए, केला अच्छे से रख कर के, फिर मैं सेब डाल दी उस बाल्टी में, फिर यहाँ पे मैं परखिया रख दी, नहीं रखी नहीं, फिर उठाई और बाल्टी में डाल दी, एक खीरा यहाँ पे चढ़ा दी मैं और एक खीरा बाल्टी में डाल दी, और फिर आया टाइम खीरा कट करने का, तो खीरा नहीं कट रहा था मेरे से, तो फिर मैं चावल और चना चढ़ा रही थी दोनों में चढ़ा करके, फिर वही पे वही चढ़ा, फिर पैसा चढ़ाई में, देख सकते आप लोग बाल्टी में इतना सारा चला गया है। फिर आरती की फिर रख दी, फिर जितना सब बचा था चना और चावल वो सब मैंने चढ़ा दिया। फिर यहाँ पे हरि दर्शन धूप जलाने की कोशिश मैं कर रही थी माचिस से, लेकिन हवा से नहीं जा रहा था, तो फिर मैं दिए में जला ली और बारिश की वजह से भींग गया तो अच्छे से जल भी नहीं रहा था। तो फिर जलाने के बाद थोड़ा सा आरती दिखा ली और फिर रख के अच्छे से वहाँ पे चिपका रही थी, लेकिन तब पर भी बार बार गिर जा रहा था। फिर आया टाइम धूप जलाने का, एक धूप नीचे रख के उसके ऊपर कपूर रखी और फिर माचिस लेके जला दिया। लेकिन मुझसे अच्छे से जल नहीं रहा था, अभी देख सकते आप लोग, मैंने बस दो रखा और वहाँ से हट गए, बाकी ने मम्मी ने रखा था। मैंने बहुत कोशिश किया लेकिन जल नहीं पा रहा था अच्छे से। यहाँ पे हरि दर्शन धूप बुझ गया था तो फिर से मैं जला रही थी अच्छे से बना करके।
यहाँ पे पूरा गिर गया। फिर मम्मी आई, देख सकते हैं आप लोग, फिर मम्मी अच्छे से जलाई पूरा, सब चीज़ जला के पूरा मम्मी धूप फूंक दी। फिर ये खीरे में काज खीरे को जला करके काजर किया जाता है, तो काजर कर रही थी मम्मी। मौसम तो पूरा क्या अंधेरा अंधेरा सा हो रखा है पूरा जगह। और यहाँ पे आरती करने के बाद, अभी तो आरती हो रही है, देख सकते आप लोग गाइस, फिर आरती हो गया, फिर मैं आरती की, फिर आरती करते करते दिया बुझ गया, तो दिया जलाई नहीं जला तो उसमें धूप जल रहा था, वहाँ से जला करके फिर जला दिए, फिर जल गया था, फिर से आरती चालू हो गया क्योंकि आरती पूरा नहीं हुआ था। फिर आरती करने के बाद तो यहाँ पे आरती हो गया और फिर बुझ गया था, तो मैं रख के फिर जलाने लगी और फिर मैं यहाँ पे शंख जा रही हूँ। यहाँ पे नारियल फोड़ते हुए जो एक ही बार में फूट गया, और शंख अच्छे से इसलिए नहीं बच पाया क्योंकि मैं कुछ खा ही नहीं थी तो ताकत ही नहीं था बस। और फिर यहाँ पे ये झाड़ पकड़ते हुए क्या करी था, अपन करम भैया के धर्म धार मुझे बढ़ा भी थी, क्या करे था अपन करम धर झार के धर्म भर अपन करम भैया अपन करम भैया के धर्म धार भैया सोच। फिर झार को अच्छे से झार वाला कंप्लीट करके फिर मैं पंडार दी धूप वाला पंडार देके मैं भाग